हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? ठीक हैं? बढ़िया है। अहमद भाई कैसे हैं? जबरदस्त। हसन भाई बढ़िया जी। आज का वीडियो गाइस होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का फुल कंपैरिजन है। आई थिंक फुल भाई कंपैरिजन बनता है। बल नहीं वैसे बल बिल्कुल कहने लगे थे साथ ही ने बनता है कहता ओ साथ ही रुक गया। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है यार। हाँ कहो बनता है भाई। बनता है तो उन्होंने की, हमने थोड़ी की है। जिसने हाँ, वीडियो बनाया उसने की है भाई। हमने देखना है लेकिन बनता नहीं। वो इंडिया का बनता नहीं है। मैं वही कह रहे हैं बनता नहीं है। बनता क्यों नहीं है? वो टॉप पर होंगे नीचे होंगे जो भी कंपैरिजन तो आप किसी का भी कर सकते हो। आपका आप प्लेन का कंपैरिजन है साइकिल के साथ भी कर सकते हो। ऐसे ही यही कंपैरिजन है। यही है तकरीबन है यही तकरीबन। चले लेकिन देखते हैं भाई। और क्योंकि आप साइकिल की स्पीड से चल रहे हो कभी चेन उतर गई कभी कुछ हो गया है लेकिन वो इंडिया जो है वो प्लेन की रफ्तार से उड़ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा था। चले बाकी वीडियो हमारे पास जो है पहले उसकी तरफ चलते हैं। वो है भाई साहब ये पॉलीफिक्स वर्सेस पाकिस्तान। आज हम इंडिया और पाकिस्तान की हर एक चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वहीं पाकिस्तान एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को अपनी आजादी के रूप में मनाता है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। इंडिया के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। वहीं पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। वहीं पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,640 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है क्योंकि इंडिया बड़ा है। इंडिया में टोटल 797 जिले हैं। वहीं पाकिस्तान में टोटल 170 जिले हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत में 2024 के हिसाब से 6,28,232 गाँव है। वहीं पाकिस्तान में 6,445 गाँव है। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को मिलता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 143 करोड़ है। वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन के लिए एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। इंडिया के 77% लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं पाकिस्तान के 58% लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत की टोटल GDP $3.73 trillion है। वहीं पाकिस्तान की टोटल GDP $377 billion के बराबर है जो कि इंडिया के सामने काफी कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में 41वें नंबर पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। अमेरिका का $1 भारत के 83 रुपयों के बराबर है। वहीं अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 277 रुपयों के बराबर है। तो यहाँ पर भारत के रुपयों की कीमत पाकिस्तान के हिसाब से तो ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी जिनके पास 9,45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति है शाहिद खान जिनकी नेटवर्थ 1,02,000 करोड़ रुपए है। यहाँ पर ज्यादा अमीर भारत के व्यक्ति हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है DK शिवकुमार जो कि एक विधायक हैं और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी नेटवर्थ 1,413 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है इमरान खान जिनके नेटवर्थ 410 करोड़ रुपए है। यहाँ पर भी एक पॉइंट अरे भाई गलत है ये। मैं लगता है जिसने वीडियो बनाई है ना नूनली का फैन है। नहीं ये इंडिया का भाई जिसने वीडियो बनाई है ना नूनली का फैन है ना। लेकिन ये वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का फैन है इसलिए उसने इमरान खान को बोला। इधर ऐसे कह रहे हो तुम आसिफ जरदारी का भी हो सकता है। वो मिस्टर 10% है आसिफ जरदारी। हाँ लेकिन ये है कि आसिफ जरदारी से भी ज्यादा तो ये मतलब जो अभी इन गंजे होंगे। हाँ, इन्होंने बहुत लूटा है भाई। इनकी फैक्ट्रियां ये वो हर चीज है इतनी मिले हैं इधर बिल्कुल। और जिसका नाम लिया उसको जिसका कुछ है सारा कुछ जिसने मांग मांग के शौकत खान में लगा दिया उसको 410 करोड़ का मालिक बना दिया। क्या उसे पता है इंडिया को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर एक्टर है शाहरुख खान जिनके पास करीबन 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर हैं शान शाहिद जिनकी नेटवर्थ करीबन 200 करोड़ रुपए हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन जिनकी नेटवर्थ करीबन 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस है माहिरा खान और माहिरा खान की नेटवर्थ करीबन 122 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के सबसे अमीर क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर जिनकी नेटवर्थ 1,450 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर क्रिकेटर इमरान खान जिनकी नेटवर्थ करीबन इंडियन रुपीस के हिसाब से 410 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के इंस्टाग्राम पर
जितना पैसा अब है क्रिकेट में और हाँ। आजकल के क्रिकेटर कमा रहे हैं वो कब हाँ, वो इतना पैसा कब कमाते थे वो, अब तो बहुत ज्यादा है, अब वाले तो मतलब बहुत कमा रहे हैं, पहले तो था इतना ना लीग होती थी जो आपके मतलब वो सैलरी होती थी वही होती थी ना पहले, वही जस्ट। सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं विराट कोहली, जिन्हें 268 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं माहिरा खान, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो यहां पर इंडियन सेलिब्रिटी को ही ज्यादा फॉलो करते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की फर्स्ट फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। वहीं पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म है तेरी याद, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। तो यहां पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है दंगल, जिसने वर्ल्ड वाइड 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। वहीं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने वर्ल्ड वाइड करीबन 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो यहां पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है कल की 2898 AD, जिसका बजट करीबन 600 से 700 करोड़ रुपए था। वहीं पाकिस्तान की आज तक की सबसे महंगी फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसे करीबन 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था। तो यहां पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं प्रभास, जो अपनी एक मूवी के लिए 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। वहीं पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फवाद खान, जो अपनी एक मूवी के लिए 2 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। तो यहां पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है। वहीं पाकिस्तान की वर्ल्ड की 9वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। तो यहां पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन आर्मी के पास 1450,000 एक्टिव सोल्जर है। वहीं पाकिस्तान आर्मी के पास 650,000 एक्टिव सोल्जर है। तो यहां पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की पैरा मिलिट्री फोर्स में करीबन 25 लाख सोल्जर हैं, वहीं पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स में करीबन 5 लाख सोल्जर हैं। तो यहां पर भी ज्यादा सोल्जर इंडिया के पास है, तो एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का साल 2024 में डिफेंस बजट 6,21,541 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान का 2024 में डिफेंस बजट 1,80,000 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के डिफेंस बजट से 5 गुना कम है। तो यहां पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत में कुल 137 हवाई अड्डे हैं, वहीं पाकिस्तान में कुल 42 हवाई अड्डे हैं। तो यहां पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के 28 राज्यों में टोटल 1,114 विश्वविद्यालय हैं, वहीं पाकिस्तान में अब करीबन 174 विश्वविद्यालय हैं। तो यहां पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत में करीबन 79% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, और बाकी सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी जैसी कम्युनिटी के लोग यहां पर बसते हैं। वहीं पाकिस्तान में तो 96% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, और बहुत ही कम जनसंख्या में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसे भारत में करीबन 43% लोग बोलते हैं। वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी, जिसे पाकिस्तान में करीबन 48% लोग बोलते हैं और समझते हैं। भारत देश में करीबन 453 भाषाएं बोली जाती हैं, वहीं पाकिस्तान में 74 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहां पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय फूल कमल है। वहीं पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर, राष्ट्रीय पक्षी चकोर और राष्ट्रीय फूल चमेली है। बाकी आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा पॉइंट किधर है? पाकिस्तान को मिल जाता या कोई और कौन सा मिल सकता था? दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ होती है? पॉइंट पाकिस्तान का पक्का था, ऐसे वो भी मतलब हुआ ना जाया। फिर एक हो सकता था कि दुनिया में कौन से मुल्क के लीडर सबसे ज्यादा मांगते हैं, तो पाकिस्तान का पॉइंट छीन ही नहीं सकता भाई। बिल्कुल, वर्ल्ड बुक, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी ये मतलब आप रिकॉर्ड लगवा सकते हो, इस चीज का आप क्लेम कर सकते हो कि भाई हमारा लगा दें हमें अवार्ड। आज तक भीख सबसे ज्यादा किस देश ने मतलब मांगी है? कौन से अच्छा पॉलिटिशियन का नाम अगर हो तो भाई हमारे ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन है कि भाई उनको आप पॉइंट दिए बगैर रह ही नहीं सके। बिल्कुल भाई ने एक नाम गलत ले लिया, इमरान खान का। इमरान खान का नहीं बनता इधर, इमरान खान के पास इतना पैसा भाई वो नहीं है। इधर अब देखो जिसकी इतनी फैक्ट्रियां, इतनी मिलें, और जिस सिटी से आप गुजर रहे होते हो किसकी है भाई? ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है, उसका नाम बनता है। जिसके लंदन में भी फ्लैट्स हैं, इधर भी उधर भी हर तरफ मतलब, तो मेरे ख्याल में वो गलत हो गया। बिल्कुल अच्छा, अगर वो डाल देते ना अमीर पॉलिटिशियन कौन सा है,
तो वो पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाना था हाँ। उधर इसलिए उन्होंने नहीं डाला हाँ। अगर मियां साहब का नाम डालते हाँ, तो फिर सियासत इतना पैसा दुनिया के किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं जितना उसके पास है, वो सारा तो पैसा पाकिस्तान का उसके पास है। जिस मर्जी भाई का नाम डाल देते, शहबाज का डाल देते, नवाज मेरी तरफ किसी का भी डाल, मेरी तरफ अहमद भाई का डाल देते। पॉइंट देना नहीं था ना उन्होंने, पॉइंट यार एक तो होना चाहिए था, ये जीरो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 25 कंपैरिजन कुछ नेगेटिव चीजें बीच में ले जाते, उसमें तो नंबर काफी बन नंबर ज्यादा होने थे बिल्कुल। क्या कह सकते हैं, चलो खैर जो भी है, 25 के मुकाबले में पाकिस्तान ने हासिल किए हैं जीरो पॉइंट। अंडा भी नहीं टूटा है बिल्कुल। चलो खैर नेक्स्ट वीडियो देखें हाँ बिल्कुल, बनती भी है क्योंकि पॉइंट ही नहीं मिला हमको तो हम वो जैसे होते हैं ना मैच में आप हार के, फुटबॉल का मैच लगा हुआ है कि 25 गोल है कि जीरो है, तो मेरे ख्याल में जो जब 10-12 गोल अगर एक टीम कर लेती है ना, या क्रिकेट में ऐसा होता है कि एक टीम जो है अब कंफर्टेबली जीत रही है जी, तो आपने देखा होगा कि जो ऑडियंस होती, जो व्यूअर होते हैं सारे वो जाना शुरू कर देते हैं बिल्कुल, और हम ढीठ अभी तक बैठे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।